शैक्षिक एवं समाजोत्थान की दिशा में अग्रसर वैशाली नगर स्थित राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में डॉटर पेरेंट्स रिलेशनशिप मेगा सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ स्कूल प्रिंसिपल विजय लक्ष्मी यादव के द्वारा आगंतुक अतिथियों स्वागत उद्बोधन से हुआ। तदुपरांत संस्थान की स्टेट कोऑर्डिनेटर श्रीमती रागिनी चतुर्वेदी एक स्टोरी के माध्यम से छात्राओं को अपने सपने पूरे करने के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ने की बात कहते हुए कहा कि जब भी आप रोड पर चलें तो लोग कहें हाँ वह आ रही है। तो वहीं सेमिनार के मुख्य वक्ता के रूप में संस्थान के निदेशक डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिना किसी भेदभाव के माता पिता को बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिए, तो वहीं बच्चों को भी माता पिता के शिक्षक के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि बच्चे किसी की गलत कार्य को करने से पहले एक बार यह सोच ले कि यह बच्चे किसके हैं तो वह संभवतः गुनाह करने से रुकते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस दिन हर एक हिंदुस्तानी बहन भाई के मस्तक पर तिलक कर रक्षा सूत्र बांधते हुए यह वचन हासिल कर लेगी कि जो सम्मान उसकी नज़र में उसकी अपनी बहन के लिए है वही सम्मान मातृशक्ति के लिए सुरक्षित रहेगा, क्राइम रुक जाएगा। सेमिनार के दौरान स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती विजयलक्ष्मी यादव ने आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज के सेमिनार पूर्णतया प्रासंगिक है, भविष्य में इस तरह के मोटिवेशनल सेमिनार के लिए सहयोग अपेक्षित है। इंग्लिश मीडियम स्कूल स्मार्ट एक लड़की होती है छोटी सी, उसको गाने बिल्कुल लड़कियों की तरह जैसे उस जमाने में हुआ करता था, उसको बिल्कुल लड़की की तरह ही पाला है कि बस बड़ी हो रही है, दैट्स ऑल। खाना क्या है क्या नहीं है वो लड़कों के ऊपर ज्यादा बैठी रहता है, लेकिन ज्यादा कुछ मत हो, आज नहीं है ये बात, आज लड़कियों के साथ भी वही ऑनर है ना। तो वो लड़की जब पढ़ती है छोटी होती है तो उसको उसके फादर और मदर, मैं विजय लक्ष्मी यादव, मैं यहाँ पे महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जो कि इंग्लिश मीडियम हो गया है डिस्ट्रिक्ट का, ये पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल है अजमेर डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे प्रधानाचार्य की बात डॉक्टर राकेश शर्मा डायरेक्टर हैं और स्टेट कोऑर्डिनेटर मैम रागिनी चतुर्वेदी हैं। आप दोनों हमारे यहाँ आए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं समझती हूँ कि ये जो आप लोगों ने बच्चों को कहानी के द्वारा और अपने जीवन के अनुभव के द्वारा जो बच्चों को बताया कि किस तरह से डॉटर पेरेंट रिलेशनशिप के बारे में बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में आपने बच्चों को जो सिखाया, मैं समझती हूँ कि ये पूरे जीवन में हमें एक ऐसी बातें हैं जो हमें ज़रूर जाननी चाहिए। केवल बुकिश नॉलेज पर्याप्त नहीं होती है और मैं समझती हूँ आज जो आप लोगों ने बच्चों को सिखाया हमें भी इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिली, तो ये हमें जीवन भर याद रहेगा। और हम पूरा विद्यालय परिवार ये चाहते हैं कि आप फिर हमारे विद्यालय में आएं और इस तरह के टॉपिक्स लेकर और बच्चों को उनमें अवेयरनेस जागरूकता जगाएं, तो आपका बहुत आभार। यहाँ फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ क्लासेस रन कर रही हैं, इट्स अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में हमारे आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों फैकल्टीज़ हैं। और यहाँ पे क्योंकि इंग्लिश मीडियम इस साल से ही हुआ है तो फर्स्ट से एट्थ जो क्लासेस हैं वो इंग्लिश मीडियम, जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे थे तो यहाँ पे उनको ये एक मौका मिलेगा कि वो इंग्लिश मीडियम में, और साथ ही देखिए इंग्लिश मीडियम जो स्कूल प्राइवेट हैं वो बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं और यहाँ पे निःशुल्क है शिक्षा, उनको बुक्स भी फ्री मिल रही हैं, किसी तरह की एक रुपये भी उनसे चार्ज नहीं किया जा रहा। तो मैं समझती हूँ कि जो लोग इस स्थिति में हैं कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में नहीं पढ़ा पा रहे जहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एक गोल्डन चांस है, ये सरकार ने ये योजना स्टार्ट करके बहुत अच्छा किया। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने इस योजना को लागू किया उनका हम तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।